हाय गाइस, वेलकम टू बीस्ट बीज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और इट्स आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम घर पे रहें और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और साथ में दूसरों के भी प्रोटेक्शन का सोचें। इसलिए कुक टॉक के सीरीज़ में बीस्ट बीज की टीम कहीं बाहर नहीं जा रही है और आज आपको बटला फैमिली के किचन से एक रेसिपी शेयर करेगी। तो आज हम बनाएंगे ब्राउन ब्रेड फॉर गार्लिक टोस्ट। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं व्हीट ब्रेड, और व्हीट ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर मैदा, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून शुगर चीनी, 1 कप दूध, वार्म दूध चाहिए हमें, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, और हमें ईस्ट चाहिए फर्मेंटेशन के लिए। सबसे पहले हम बोल में 2 कप आटा जो हमने लिया है उसको लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/4 मैदा ऑल पर्पस फ्लावर मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल रहे हैं। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1/4 हम इसमें डालेंगे ये फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट, पूरा 1 पैकेट हम इसमें डाल देंगे। ये आप बाजार से कहीं से भी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 कप वार्म मिल्क डालेंगे। इसको आप धीरे धीरे डालिए इकट्ठा, एक बार में मत डालिए। इसको हमें आटे की तरह अच्छे से गूंद लेना है। डो तैयार करते हुए अगर आपको फील होता है कि थोड़ा सा इसमें दूध और चाहिए तो आप अपने आवश्यकता अनुसार इसमें थोड़ा सा दूध और डाल लें। हमारा डो ये तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसको 45 मिनट्स प्रूफिंग के लिए रख देंगे। आप कभी भी कोई भी बेकिंग का काम करें तो उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो भी यूज करना है मेजर करके करें। अब हम देख सकते हैं कि हमारा ये डो काफी अच्छे से प्रूफ हो गया है। इट्स एक्चुअली नाउ डबल इन साइज। इसको और ये थोड़ा सा ये डो गुई सा रहेगा। इसको वापस से हम अच्छे से गूंदेंगे। ब्राउन ब्रेड फॉर गार्लिक टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड पैन लिया है और उस पर थोड़ा सा ऑयलिंग कर रही हूँ। पैन के चारों तरफ अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। बाद डो को एक रेक्टेंगुलर शेप देंगे जिससे ये ब्रेड लोफ का शेप बन जाए।
बेक होने के बाद। इसके बाद इसको हम बेकिंग ट्रे में उसमें इसको सेट करेंगे। ओवन को 350 डिग्री पे बेक होने के लिए सेट किया है और टाइम 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको रखा है। 30 मिनट्स के बाद आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें क्योंकि हर ओवन अलग होता है। बेक होने के बाद आप ब्रेड के दोनों साइड में ऑयलिंग कीजिए। ऑयलिंग के लिए आप बटर यूज़ कीजिए जिससे एक काफ़ी अच्छी खुशबू रहेगी ब्रेड में और इसके ऊपर एक काफ़ी अच्छा ग्लेज आ जाएगा। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसको स्लाइसेस में काटेंगे। मैंने इसको ये शेप इसलिए दिया है कि मुझे इसको गार्लिक ब्रेड बनाना है। अब ये ब्राउन ब्रेड फॉर गार्लिक टोस्ट रेडी है। सिचुएशन अभी बहुत पैनिक है, लोगों को बाहर ब्रेड नहीं मिल रहा है, तो घबराओ मत, आराम से घर में ब्रेड बनाओ, खाओ और लोगों को भी खिलाओ। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, इट्स फ्री।